चार वर्ष हो गए मुझे इसी बस में प्रतिदिन गांव से शहर जाते हुए, परंतु आज अपने भीतर के जिस डर से मेरा साक्षात्कार हुआ उससे तो मैं परिचित ही नहीं थी। तो भाई प्रतिदिन की भांति आज सुबह भी अपना झोला उठा मैं निकल पड़ती हूँ अपने विश्वविद्यालय के लिए। वैसे तो हमारे गांव से शहर जाने के लिए निजी बस की सुविधा भी उपलब्ध है, तिपैया वाहन की भी सुविधा उपलब्ध है, परंतु इन सब के बाद भी हम लड़कियां प्रतीक्षा करती हैं इस नारंगी बस के आने की। हाँ 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 सही समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये सुविधा हम लड़कियों के लिए निशुल्क जो उपलब्ध है। पहली चुनौती होती है बस में चढ़ जाने की, दूसरी चुनौती मात्र पैर रखने की ही जगह मिल जाने की, और अंततः जिस भी प्रकार आप ये सब कर भी लेते हैं तत्पश्चात आरंभ होता है एक घंटे तक यूं ही स्थिर खड़े रहकर संपन्न होने वाले शोर भरे शांतिपूर्ण सफर का। क्योंकि हमारी दिनचर्या में ये प्रतिदिन की कहानी है तो विलक्षण होते हुए भी ये हमारे लिए सामान्य सी ही बात है, परंतु जो तनिक भी सामान्य नहीं है वो है यूं ठसाठस भरी चलती बस में चलचित्र एकत्रित करना। वास्तव में कदापि सरल नहीं होता।